कहना धन निकार जी, आज जहाँ हर कोई संत एक दिवाली के ये रूप में ही पर बात कौन सी रोशनी की कर रहे हैं, ये रूहानी रोशनी, ये निराकार परमात्मा कि ये जब तक निराकार याद है मन में, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी है तो ही ये मन हमेशा एक रोशनी में है। ये कुछ पलों की बात नहीं कि अगर बाहर आसमान में सूरज नहीं है तो रोशनी है, कमरे में लाइट नहीं है तो अंधेरा है, पर ये तो अंधेरा हो या एक उस रूप में उजाला फिजिकली है कि नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योति रोशनी ये हर समय ही एक उज्जवल है, यही जीवन को भी उज्जवल करती है। चाहे वो रूप एक कि कहाँ भ्रमों भ्रांतियों से भी ये बंधन काट के जब तक जीवन है हर पल इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में भी एक सही डायरेक्शन, एक मुख अपना संतमति के अनुसार जीना, और कैसे फिर ये निराकार का ही आधार फिर से संत लेते हुए कि जब एक अगर हम उदाहरण लें कि जहाँ दिवाली के टाइम ये फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये रोशनी की उस रूप में दीयों की बात है, एक अंधकार पे भी एक रोशनी की विजय की बात है, वहीं आजकल देखें तो वो प्रदूषण की भी बात है कि एक पटाखे जैसे सभी को पता है जलाने से प्रदूषण की भी बात है कि एक पटाखे जैसे सभी को पता है जलाने से प्रदूषण होती है, तो वो जहाँ हर किसी की चेतनता भी होती है कि वातावरण को हमें एक पावन रखना है, एक स्वच्छ रखना है, तो कैसा वो रूप अगर हम देखें कि एक ये कितनी उस तरह की बात है कि वही एक पटाखा है जो पहले रोशनी दे रहा है और फिर वही धुएं में तब्दील हो रहा है। तो जहाँ वो बात कि एक अंधेरे से रोशनी करना तो बहुत ही सरल है, पर जहाँ धुआं हो जाता है ये कुछ क्लैरिटी नहीं रहती, सब धुंधला दिखता है, वहाँ अगर लाइट है भी तो भी कुछ साफ नहीं दिखता। तो कैसे जीवन को हमने एक उजाले में जीवन जीना है, एक जो सफाई की तरह एक ट्रांसपेरेंसी में जिस तरह रोशनी होती है तो वो बहुत ही अच्छे से दिखता है हर कुछ, और वहीं अगर कोई फॉगी मिस्टी एक वातावरण हो तो उसमें तो दिन के टाइम भी सूरज होने के टाइम भी वो रोशनी होने के बावजूद भी कुछ साफ नहीं दिखता, एक बादल से जब आ जाए या कुछ उस तरह का मौसम। तो कैसे एक रोशनी तो हर समय अगर है तो उसका उपयोग अपने जीवन में कैसे करना है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो है, तो अब ये सिर्फ वो बात नहीं कि ब्रह्म ज्ञान ले लिया किसी एक समय, पर इस ब्रह्म ज्ञान को हर समय जीना है। तो वो संत हमेशा से समझाते भी आए हैं कि ये जीवन तो ब्रह्म ज्ञान के बाद असली मायने में शुरू है, ये भक्ति असली मायने में ब्रह्म ज्ञान के बाद शुरू है। तो कैसे जो आज जिक्र हो रहा था कि ये हर दिन दिवाली रूप त्योहार रूप एक रोशनी ही रोशनी जीवन में रहे, हर कोई जब वाक्य ही एक सिर्फ मुंह से बुलाने के लिए महापुरुष ना कहलाएं, पर वाक्य ही जीवन एक वो रूहानी जीवन आत्मा एक अपना कल्याण जिस रूप में करते हुए शरीर के अंदर ही भीजिए, और ये मौत होने पर एक उस रूप में इस वापस निराकार का मिलन, तो हर कोई एक मुबारक जीवन जीता चला जाए जहाँ अपना भी सुधार हो, अपनी आत्मा को भी सुकून मिले, और वहीं जीते जी ये संसार के लिए भी
परोपकारी जीवन बनता जाए, वरदायनीय जीवन बनता जाए, तो हर कोई जहाँ अपने घरों को भी एक सुरक्षित रूप में पहुँचे भी, वहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी पर्यावरण की तरफ। तो संत तो हमेशा जहाँ एक रूहानी एक आध्यात्मिक रूप में कल्याण करते हैं, वहाँ समाज का भी कल्याण करते जाते हैं। तो ये अपने जीवन से ये एक संदेश एक हरेक तक जो पहुँचाएँ कि कैसे एक रूप संसार का जिस तरह इस संसार में आए, तो जो सुंदरता जो पावनता वो थी जब संसार से रुखसत हों, तो इससे ज़्यादा उस रूप में भी संसार में एक साफ सफाई छोड़ के जाएं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई निराकार के एहसास में जहाँ रहे, वहीं अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी इस तरह निभाए कि भक्ति करते जाएं और साथ ही साथ सब कुछ एक वरदानीय रूप में होता चला जाए। सत्संग जी, धन्य का जी, हैप्पी दिवाली जी।